जबूर ऐ खुदावंद तू क्यों दूर खड़ा रहता है मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है शरीर के गरूर के सब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदावंत को तर्क करता है बल्कि उसकी आहानत करता है शरीर अपने तकबर में कहता है कि वो बाज पुर्स नहीं करेगा उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं उसकी राहें हमेशा उस्तवार हैं, तेरे अहकाम उसकी नजर से बई दो बुलंद हैं वो अपने सब मुखालिफों पर फुंकारता है वो अपने दिल में कहता है मैं जुम्बश नहीं खाने का पुष्ट दर पुष्ट मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी उसका मुंह लानतो दगा और जुल्म से पुर है शरारत और बदी उसकी जुबान पर है वो देहात की कमीन गाहों में बैठता है वो पौशीदा मुकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है उसकी आंखें बेकस की घात में लगी रहती हैं वो पौशीदा मुकाम में शेर बब्बर की तरह दबक कर बैठता है वो गरीब के पकड़ने को घात लगाए रहता है वो गरीब को अपने जाल में फंसाकर पकड़ लेता है वो दहकता है वो झुक जाता है और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं वो अपने दिल में कहता है खुदा भूल गया है वो अपना मुंह छिपाता है वो हरगिज़ नहीं देखेगा उठ ऐ खुदाबंद, बंद ए खुदा अपना हाथ बुलंद कर गरीबों को ना भूल शरीर किस लिए खुदा की आहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बाज पुरस ना करेगा तूने देख लिया है क्योंकि तू शरारत और बोगस देखता है ताकि आपने हाथ से बदला दे बेकस अपने आप को तेरे सपुर्द करता है तू ही यतीम का मददगार रहा है शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर निकाल खुदावंद अब्दुल अबाद बादशाह है कौमें उसके मुल्क से नाबूद होंगी ऐ खुदावंद तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है तू उनके दिल को तैयार करेगा तू कान लगाकर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे ताकि इंसान जो खाक से है फिर न डराए